हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स क्लास सेवन सी बी एस ई और एन सी आर टी साइंस स्टूडेंट आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करेंगे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी कि स्प्रेंड जैसा हम जानते भी हैं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में फिल हो जाती है और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होगी हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में अब वो किस तरह से ट्रांसफर होगी आई समझते हैं ऑल्सो द बर्ड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल दिस बर्ल्ड हैज़ टू गो बैक द हर्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर टेन सो टू टाइप्स ऑफ बर्ल्ड वेसल्स आर्ट्रीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी स्टूडेंट हमने चैप्टर टेन में स्टडी किया था कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें जब फंक्शन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मैटेरियल बनते हैं वेस्टेज मैटेरियल होते हैं तो बल्ड उन वेस्टेज मटेरियल को पिकअप करती है यानी अपने साथ वापस लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड एक को एक्सेलेशन द्वारा बाहर निकाल देता है सो so, स्टूडेंट इस तरह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसकी टू टाइप्स हो जाती हैं टू टाइप्स की ब्लड वेसल्स काम करती हैं फर्स्ट है, है आर्टरीज सेकेंड है वेंस जिन्हें फिगर एलेवन पॉइंट वन में भी हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फिगर दिया गया था ब्लू और रेड कलर से आर जो बल्ड वेसल्स दिखाई गई थी कलर इनका सेम होता है बस फिगर में समझाने के लिए कि आर्टरीज एंड वेंस टू टाइप्स की बल्ड वेसल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में आर्टरीज क्या करती हैं हमारे हर्ट से बल्ड को ट्रांसपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट करती है और वेंस उस बल्ड को वापस हर्ट में लेकर आती हैं एंड दूसरा क्या है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच बर्ड फ्रॉम द हर्ट टू ऑल पार्ट्स द बॉडी कि आर्टरीज में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच बर्ड है वो हर्ट से बॉडी के अदर पार्ट में ट्रांसफर होता है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट यानी वन पार्ट से सेकेंड पार्ट में जाता है सिंस द बर्ल्ड फ्लोच इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर द हैव थिक इलास्टिक वाल्स और ये जो काम है स्टूडेंट बर्ड फ्लो बर्ड यानी हमारी विंस में फ्लो करता रहता है ट्वेंटी फोर आवर बड़ी तेजी से हाई प्रेशर से फ्लो करता है और अपने साथ ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और ये काम जिन बर्ड वेसल्स में होता है उन बल्ड वेसल का नाम क्या है स्टूडेंट आर्टरीज और ये आर्टरीज जो हैं इनकी जो वाल्स है इलास्टिक वाल इलास्टिक यानी लचीली होती है रबड़ की तरह लेट एस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सप्लाई द फ्लो बल्ट थ्रो आर्टरीज कि आर्ट्रीज में किस तरह से बल्ट का फ्लो होता है स्टूडेंट हम एक्टिविटी इलेवन पॉइंट वन से समझ सकते हैं प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेस्ट लेफ्ट रिस्ट कैन यू फील सम थ्रोबिंग मोमेंट्स वाई डू यू थिंक देयर इज ए थ्रोबिंग दिस थ्रो बींग इज कार्ड द पर्ल्स एंड इट इज ड्यू टू द बर्ड फ्लोइंग इन द आर्ट काउंट द नंबर ऑफ पर्ल्स बीट्स इन वन मिनट कि स्टूडेंट फिगर एलेवन पॉइंट टू में हम देख सकते हैं इस तरह से हमें एक्टिविटी करनी है कि हमें अपने लेफ्ट फिंगर की अंदर जो रिस्ट है रिस्ट के इनर साइड दूसरे सेकेंड हैंड की टू फिंगर्स के साथ उन आर्टरीज को यहाँ से प्रेस करना है दबाना है तो हमें थ्रोपिंग मोमेंट, यानि कि जैसे जो रबड़ का पाइप होता है स्टूडेंट तो पानी का जब हम उसे नल में लगाते हैं और उसमें से पानी का प्रेशर हम महसूस कर सकते हैं पाइप को दबाकर, सेम ऐसे स्टूडेंट्स तो से इन बल्ड वेसल्स को हम इस से प्रेस करके बल्ड फ्लो की मोमेंट को समझ सकते हैं जिसे पल्स कहा जाता है और काउंट कर सकते हैं कि वन मिनट में कितने बार पल्स बीट हुआ हाउ मैनी पल्स बीट कोड यू काउंट द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कार्ड द पल्स रेट और वन मिनट में स्टैंड जितनी बार थ्रोबिंग होती है जैसे धक धक ऐसे हमें महसूस होगा ए रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज ए पल्स रेट बिटवीन सेवेंटी टू टू एटी बीट्स पर मिनट फाइंड अदर प्लेसेज इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स जिस तरह से स्टूडेंट हमें रिश्त के इनर साइड में महसूस कर सकते हैं ऐसे ही हम अपने बॉडी के अदर पार्ट्स में भी महसूस कर सकते हैं इस पल्स को और वन मिनट में जितनी बार थ्रोबिंग होती है जितनी बार ये फ्लो रेट हमें महसूस होती है उसे पल्स रेट कहा जाता है जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनके पल्स रेट वन मिनट में सेवेंटी टू एट्टी बीट से पर मिनट होती है अब हमें अपने बारे में रिकॉर्ड करना स्टूडेंट एक टेबल में रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स इन सर्ट द वैल्यूज ऑफ ऑबटेन्ड इन टेबल इलेवन पॉइंट वन एंड कंपेयर दैम और स्टूडेंट हमें इसे टेबल इलेवन पॉइंट वन में फिल करना है इस तरह से स्टूडेंट आप पल्स रेट को महसूस कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं वन मिनट में कितनी बार हुआ और उसे ट्रांस रजिस्टर करें रिकॉर्ड करें टेबल इलेवन पॉइंट वन में जिसका हेडिंग है पल्स रेट फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिए गए हैं सेकेंड कॉलम में आपको अपना नाम अपने ब्रदर सिस्टर फादर या मदर का नेम लिखना है थर्ड कॉलम में पल्स पर मिनट यानी वन मिनट में कितने बार हमने पल्स को काउंट किया सेकंड की सुई से आप मिनट को काउंट देखते रहें और अपने रिस्ट के इनर साइड जैसा फिगर में पीछे दिखाया गया था दूसरे हैंड की दो उंगलियों से प्रेस करके उस थ्रोबिंग को महसूस कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं आपने देखा होगा जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपकी पल्स रेट इसी तरह से चेक करते हैं अब सेकंड टाइप की जो बर्ड वेसल हैं स्टूडेंट विन्स कहलाती हैं विंस आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच बर्ल्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट कि हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स से स्टूडेंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड है उन्हें वापिस हर्ट तक लाने का काम कौन करता है जो बल्ड वेसल्स करती हैं उन्हें क्या कहा गया विंस द विंस है इनकी वाल्स थिन होती हैं देर आर वेलूज प्रेजेंट इन विंस विच अलाउ बर्ल्ड टू फ्लो ओनली टू द हर्ट कि विंस केवल उन्हें कहा गया जाएगा जो बर्ल्ड को वापिस हर्ट तक लाने का काम करती हैं कहने का मतलब है स्टूडेंट हमारा बीच में जो है हर्ट है हर्ट से बल्ड को अदर पार्ट में ले जाने का काम आर्टरीज कर रही हैं हर्ट से लंग्स की तरफ भी बल्ड जाता है तो उन्हें भी आर्टरीज कहा जाएगा और सेकेंड टाइप की जो बल्ड वेसल्स हैं वेन्स वो बॉडी के अदर पार्ट से एरो से समझ सकते हैं बॉडी के अदर पार्ट से वापस हर्ट तक लेकर गई हैं जो बल्ड को उन्हें विन कहा गया और लंग से जो बल्ड वेसल्स बर्ड, बर्ड लेकर आती हैं उन्हें पल्मोनरी विन कहा जाता है यानी मेन बीच में क्या हमारा हर्ट हर्ट से अदर पार्ट में जो बल्ड वेसल्स बल्ड लेकर जाएंगे वो आर्टरीज हैं और अदर पार्ट से जो बल्ड को लेकर आएंगे हर्ट तक पहुंचाएंगे वो विन कहलाती हैं ब्लड डोनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया स्टूडेंट हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्ल्ड वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रिस्सली लाइफ बर्ल्ड कैन बी डोनेटेड एज एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसिज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट डोनेटेड ब्लड आर स्टोर विद स्पेशल केयर इन बल्ड स्टूडेंट हर दिन लगभग हंड्रेड पीपल बिना बर्ड अनएवलबिलिटी ऑफ बर्ड यानी बर्ड ना मिलने की वजह से हर दिन हंड्रेड पीपल की डेथ हो जाती है सो so, स्टूडेंट इसलिए ब्लड डोनेशन हमें ज़रूर करना चाहिए एटीन ईयर के बाद हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं जिससे हम किसी की हेल्प कर पाएंगे भू जो एक बारे में कन्फ्यूज है स्टूडेंट आइए हम देखते हैं किस बारे में वो कन्फ्यूज व्यूज है आई कन्फ्यूज आई हैव लर्न दैट आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच बल्ड की आर्टरीज क्या करती हैं ऑक्सीजन रिच बल्ड लेकर जाती हैं क्योंकि हार्ट से जो बल्ट को लेकर जाएंगी वो आर्टरीज कहलाती हैं और उनमें ऑक्सीजन रिच बल्ड होता है एक पैराग्राफ हमारा ये गया स्टूडेंट पहले ये पढ़ते हैं विंस आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच बर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हर्ट. द हैव थिन वॉल इस पैराग्राफ में बताया गया था स्टूडेंट की जो विन्स होती हैं विन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है जबकि फिगर में हम देख सकते हैं हार्ट से लंग तक जो बर्ड लेकर जा रहे हैं वो आर्टरीज हैं और लंग्स से जो बर्ड लेकर आती हैं, वो विन हैं। जबकि लंग्स क्या काम करते हैं स्टूडेंट हमने रिस्परेटरी सिस्टम में स्टडी किया था लंग्स क्या काम कर रहे हैं लंग्स से ऑक्सीजन रिच बल्ट को अदर पार्ट में पहुंचाएंगे तो लंग्स से जो बल्ड जाएगा हर्ट में विंस लेकर जा रही हैं उसमें क्या है ऑक्सीजन रिच बल्ड और हर्ट में जो से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड है वो आर्टरीज लेकर लंग्स के पास जाएंगी वो जो इसी बारे में कन्फ्यूज है स्पैंड यहाँ पर दो बातें हमें क्लियर करनी हैं कि आर्टरीज क्या हैं जो हर्ट से बल्ड को लेकर जा रही हैं देखिए सिंबल है और नीचे भी आर्टरीज के पास लिखा गया है आर्टरीज हर्ट से बल्ड लेकर जाती हैं और ये भी आर्टरीज हैं हर्ट से बर्ड लेकर जा रही हैं लेकिन लंग्स की तरफ जो बल्ड जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड होगा आर्टरीज में इसीलिए उनको पल्मोनरी आर्टरीज बोला गया है और लंग से जो बल्ड लेकर आ रही हैं हर्ट में विन उसमें ऑक्सीजन रिच बल्ड होगा क्योंकि विन का क्या काम क्या है बल्ड को हर्ट तक पहुंचाने का लंग्स भी तो हर्ट तक बल्ड को पहुंचा रहे हैं अदर पार्ट भी बर्ड को हर्ट तक पहुंचा रहे हैं सो so, इसलिए बुझो की तरह आपको कंफ्यूज नहीं होना पहली ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है पहली एक्सप्लेन दलमनरी आर्टरीज कैरीज बर्ड फ्रॉम द हर्ट सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट ए वेन कि पलमनरी क्या कर रही है पलमनरी एक्स पलमेरी आर्टरीज कैरीज बर्ड फ्रॉम द हर्ट हर्ट से बर्ड लेकर जा रही हैं इसलिए उनको आर्टरी बोलने के बजाय आर्टरी बोला गया विन बोलने के बजाय उनको आर्टरी कहा गया इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिचबल्ड टू द लंग्स पलमनरी विन कैरीज ऑक्सीजन रिच बर्ड फ्रॉम द लंग्स टू द हर्ट कि जो पल्मोनरी विन है उसमें ऑक्सीजन रिच रिचबल्ट होगा तो विन्स का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि उसमें हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच रिचबल्ट होगा आप फिगर एलेवन पॉइंट थ्री को अच्छे से समझने की कोशिश करें तब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि विन का काम है हर्ट बल्ड को हर्ट तक पहुँचाने का तो ये भी विन है बल्ड को हट तक पहुँचा रही है कौन सी लंग से जो हर्ट की तरफ आई है लंग से हार्ट की तरफ जो बल्ड लेकर आई विन लेकिन उसमें ऑक्सीजन रिच बल्ड है क्योंकि लंग्स के पास क्या है ऑक्सीजन रिच बल्ड और आर्टरीज आर्टरीज हार्ट से बल्ड को लेकर गई तो ये भी आर्टरीज हैं जो हार्ट से लंग की तरफ बल्ड गया उसमें ऑक्सीजन रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड है और इसमें ऑक्सीजन रिच बल्ड है आप इसे ध्यान से कंफ्यूज होने के बजाय बार बार समझने की कोशिश करना और इस फिगर में स्टूडेंट एक कैपिलरीज के बारे में भी बताया गया नीचे दीज आर कैपलरीज आइए इस बारे में एक पैराग्राफ और स्टडी कर लेते हैं रेफर टू फिगर इलेवन पॉइंट थ्री डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेल्स ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपलरीज The capillary join to form veins, which empty into the heart. किस फ्रेंड जहाँ पर हमारे arteries smaller vessels में divide होती हैं देख सकते हैं ये arteries थी ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई तो इन पार्ट्स को कैपलरीज कहा जाता है और फिर ये veins में कन्वर्ट हो जाती हैं जो बल्ड को हर्ट तक पहुँचाने का, का काम करती हैं सो so, स्टूडेंट्स आज हमने बर्ड वेसल्स के बारे में स्टडी किया इसे आप जरूर रिवाइज करना अच्छे से ताकि आपको बूझो की तरह कन्फ्यूजन ना रहे नेक्स्ट टाइम हम हर्ट के बारे में स्टडी करेंगे आप इसे भी एक बार रीड कर लेना इस तरह अगर आपको ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से समझ सको अपने हर्ट के बारे में ओके स्टूडेंट थैंक यू